एक गाइस, ज़रोधा ने एक नया फीचर लॉन्च कराया है जिसका नाम है ऑक्शन। ऑक्शन क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो कोशिश कीजिएगा कि आप अंत तक बने रहें और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बीच बीच में मैं अपने ओपिनियन भी देता रहूंगा वरना आप वो मिस कर जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ऑक्शन क्या है। मैं सीधे और सरल तरीके से आपको बताता हूँ। देखिए, एक ट्रेडर है, बहुत बड़ा ट्रेडर है जो इंटरनेट ट्रेड करता है। उसे लगा कि मार्केट नीचे जाएगा और उसने शॉर्ट सेल कर दी। ठीक है, अब उसे रिकवर करने के लिए, मतलब अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए उसे बाय करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन सपोज कीजिए कि मार्केट नीचे जाने की जगह ऊपर चला गया, जो मोस्टली लोग थे सभी ने बाय करना शुरू कर दिया, तो ऐसे में जो बाय की क्वांटिटी है वो कम हो गई। अब उसने जो था ट्रेडर हमारा, उसने बहुत बड़ी क्वांटिटी में सेल किया था, तो अब ऐसे में क्या है, उसने जितना सेल किया था वो अब उतना रिकवर नहीं कर पाएगा, मतलब उतने ही क्वांटिटी के साथ वो ऑर्डर को वो बाय नहीं कर पाएगा। तो ऐसे में उस पर क्या लगती है, पेनल्टी। और इसी पेनल्टी से बचने के लिए ये ऑक्शन का ऑप्शन लेकर आया गया है। इसमें क्या होगा, जो हमारी तरह ट्रेडर होते हैं, नॉर्मल ट्रेडर होते हैं, अगर उनकी डीमैट अकाउंट में वो स्टॉक पड़ा है तो उनके पास ये ऑप्शन होता है कि वो ऑक्शन में जाएं और वहां पे जाके एक फिक्स प्राइस से थोड़ा ऊपर, मतलब जो करंट प्राइस चल रहा है उससे थोड़े ऊपर पे वो ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, और अगर कोई उन्हें बाय कर लेता है तो वो जो स्टॉक होगा उनका उसी प्राइस में बिक जाएगा। तो ये सिंपली ऑक्शन है। अब इसका फायदा क्या होगा, देखिए इसका फायदा ये होगा कि जो हम है करंट मार्केट प्राइस से अपने स्टॉक को ऊपर बेच सकते हैं, और जो कुछ स्विंग ट्रेडर होते हैं उनके पास तो ये चांस होगा कि वो 3 दिन के बाद ही जो अपना स्टॉक है उसमें 4-5% का प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, इवन मार्केट में मूव आया हो या ना आया हो। तो चलिए अब इससे जुड़ी कुछ जरूरी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले जो बात आती है वो है ऑक्शन की टाइमिंग क्या है। देखिए, ऑक्शन की जो टाइमिंग अवेलेबल होगी वो होगी दोपहर 2 बजे से लेके 2:30 तक। ऐसा इसलिए है कि मॉर्निंग में तो क्वांटिटी अवेलेबल है, इवनिंग के समय जब मार्केट क्लोज होने वाला होता है उस समय उसे चाहिए अपनी पोजिशन को कवर करना है, जो उसने सेल किया था उसे बाय करके खत्म करना है, उसे अपनी पोजीशन क्लोज करनी, तो उस समय उसे स्टॉक चाहिए होता है कि स्टॉक की क्वांटिटी उस समय अवेलेबल हो, तो इसलिए इसका टाइम ये रखा गया होगा मेरे अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट ये है कि इसमें हम लोग कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो देखिए, अगर हम लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमारे जो डीमैट अकाउंट है उसके अंदर वो स्टॉक पहले से अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके अकाउंट में 10 स्टॉक अवेलेबल है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो जो सारे स्टॉक्स है वो ऑक्शन में आपको दिखे। हो सकता है उनमें से कुछ 2 या 3 स्टॉक आपको ऑक्शन में दिखाई दे, बाकी ना दिखाई दे। ये सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स में दिखाई देगा जहां पे शॉर्ट सेलिंग की गई है और वहां पे रिकवरी के लिए और स्टॉक्स की जरूरत है। क्या ऐसा स्मॉल स्टॉक्स में ही होगा? नहीं, ऐसा बड़े बड़े स्टॉक्स में भी होगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे कौन से स्टॉक्स है जो मेरे डीमैट में थे और जो ऑक्शन में शो कर रहे थे। आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पे ये जो स्टॉक्स शो हो रही है कोई छोटे छोटे स्टॉक्स नहीं है, ये बहुत बड़े बड़े कंपनीज हैं, बड़े बड़े स्टॉक्स हैं, उसके बाद भी ऑक्शन में सेल हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे स्मॉल स्टॉक आपको ऑक्शन में दिखने वाले हैं, तो ये सोचा अपने दिमाग से हटा दीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है आपके दिमाग में ये है, क्या ऑक्शन में ट्रेड कर रहे हैं, मतलब ऑक्शन में अगर हम सेल कर रहे हैं, देखिए ऑक्शन में आप बाय नहीं कर सकते, सिर्फ सेल ही कर सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो रिकवर करना चाहता है और हमारे पास यही ऑप्शन है कि हम ऑक्शन में सिर्फ सेल कर सकते हैं अपने स्टॉक्स को। ठीक है, तो आप ऑक्शन में अगर अपने स्टॉक को सेल करते हैं तो क्या वहां पे हमें कोई एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा? तो नहीं, वहां पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ेगा आपको, जैसे नॉर्मली इक्विटी ट्रेड होती है उसी तरीके का ही नॉर्मल प्रोसेस होगा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो स्टॉक्स हमने सेल कर दिया, मान लीजिए हमने वहां पे गए ऑक्शन पे अपना स्टॉक जो है उसे सेल करा, तो उसका पैसा कैसे आएगा? तो देखिए, जैसे नॉर्मल होता है 80% पैसा आपको सेम डे पे मिल जाएगा, बाकी जो रिमेनिंग 20% है वो अगला दिन खत्म होते होते तक आपकी डीमैट अकाउंट पे क्रेडिट हो जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ कि जैसे कि आपने एक ऑर्डर प्लेस किया और बाद में आपने देखा कि भाई इसके लिए, स्टॉक के लिए तो जो लिमिट प्राइस आ रहा है मार्केट के अंदर वो जरूरत से ज्यादा आ रहा है, मतलब जो मैंने फिक्स किया है उससे ज्यादा आ रहा है, तो आप क्या उसे चेंज कर सकते? नहीं। देखिए, आप उस ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते। आपको क्या करना होगा, जो टाइम दे रखा है 2 बजे से लेकर 2:30 का, उसके बीच में ही आपको उस ऑर्डर को कैंसिल करना होगा और उसके बाद आप एक फ्रेश ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये कोशिश की कि भाई 2:30 बज चुके हैं अब आप उस ऑर्डर को कैंसिल करें, तो आप उसे कैंसिल नहीं कर पाएंगे। वो ऑर्डर अगर एग्जीक्यूट होना होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो वो ऑटोमेटिकली 4:30 के बाद कैंसिल हो जाएगा। एक चीज मैं आपको और बताता हूँ यहाँ पे कि जैसे कुछ स्टॉक्स आपने बाय करे वो आपके ना डीमैट में ऐसे दिखाएंगे T+1 करके T.1 आ रहा होगा या T.2 करके आ रहा होगा, तो वो स्टॉक आप ऑप्शन में ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब आप उन्हें ऑप्शन में नहीं बेच पाएंगे। आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आपने स्टॉक को बाय किया और जिस दिन आपने बाय किया उसके बाद अगर 3 दिन निकल गए हैं, ठीक है, सेफली मैं 3 दिन ले रहा हूँ, वरना आप 2 दिन भी मान सकते हैं, अगर 3 दिन निकल गए तो उसके बाद आप उसे नॉर्मली ट्रेड कर सकते हैं, वहां पे ऑक्शन में जाके अपने स्टॉक को बेच सकते हैं। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो मेरी करंट होल्डिंग है उसमें से कुछ स्टॉक ऐसे थे जो ऑक्शन में आए थे और ये उनके प्राइस थे जो करंट प्राइस चल रहा है अभी मार्केट में। लेकिन अगर आप इन्हें नीचे करके देखेंगे ना कि ऑक्शन में क्या बिड किया जा रहा है, तो वहां पे इनका प्राइस आपको जरूरत से ज्यादा दिखेगा, जरूरत से ज्यादा मतलब करंट प्राइस से ज्यादा दिखेगा, 5%, 10% ऐसा आप भी दिख सकता है। तो हम यहाँ पे प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, मैं आपको ये चीज बताता हूँ। देखिए, नॉर्मल आपको किस चीज का ध्यान रखना है कि जो स्टॉक आप ऑक्शन में डालने वाले हैं उसकी अपर लिमिट कितनी है, मतलब उसमें अपर सर्किट कितने परसेंट का लगता है, 5% का, 10% का, 15% या 20% का, जितने का भी लगता है, आपको ना उस अपर सर्किट से कम का प्राइस रखना है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने उस अपर सर्किट से ऊपर का प्राइस रख दिया, तो भाई
वो क्यों आपसे बाय करेगा, कोई भी ट्रेडर आपसे क्यों बाय करेगा जब आप सर्किट के ऊपर की लिमिट रख रहे हो, आपको उससे नीचे का ही रखना है। कोशिश यही करना है कि उसके में जो अपर सर्किट लगता है आप उससे नीचे का रखिएगा, ताकि जब अगर वो बाय हो तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके और बाय होने के चांसेस भी रहे। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो जरूरत से ज्यादा लगा देंगे, 10% का लगा देते हैं, 20% का लगा देते हैं, पर उनके जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज कंफर्म कर दूं कि इस मेथड में जो ऑक्शन का मेथड, आप इसमें सिर्फ सेल ही कर सकते हैं, बाय नहीं कर सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो ऑलरेडी सेल कर चुके हैं और उसे रिकवर करने के लिए आपके पास आ रहे हैं कि भाई सेल। और आप खुद सोचिए, अगर आप सेल करने बाय करने का सोचेंगे तो आप बाय कैसे कर सकते हैं? बाय तो आप नॉर्मल मार्केट में ही जाके करेंगे ना, वहां ऑक्शन में क्यों बाय करेंगे? आपको बाय करना आप करंट प्राइस पे जाके बाय कीजिए, आप जरूरी है वहां पे जाके बाय करेंगे जहां आपको जरूरत से ज्यादा महंगा मिलेगा। तो इसीलिए यहां पे खाली सेल का ही ऑप्शन है, बाय का ऑप्शन नहीं है। तो गाइस बस आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई सवाल आपका मिस हो गया हो या आपके मन में कोई ऐसा सवाल हो जिसे आप पूछना चाहते हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा उसका। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए बाय बाय।